सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। और देखिए, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। भाई लाइट तेज हो गई है। मैं भी जा रहा हूँ अपने एक दोस्त से मिलने। एक्चुअली दोस्त क्या, मेरे गुरु भी हैं और मेरे बड़े भाई जैसे भी हैं। फाइनली उन्होंने एक नया घर लिया है, तो भाई मैं घर को रिवील करने जा रहा हूँ। हालांकि वो घर में शिफ्ट हो गए हैं, बट देखते हैं किस तरीके का घर बना हुआ है, किस तरीके का नहीं। तो फाइनली अभी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपने भाई बड़े भाई के यहाँ जा रहा हूँ, अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। फाइनली निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। और देखिए, मौसम जैसा मैंने बताया था बहुत ही सुहाना हो रहा है, तो भाई बारिश भी जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। और सच बताऊँ तो रोड की हालत, भाई ये बैटरी वाले जो रिक्शे, इन्होंने बिल्कुल दुर्गति कर दी है। अगर नॉर्मल सिटी के अंदर रहते हो जहाँ इंटरनल एरिया है, वहाँ पर भाई बैटरी वाले रिक्शों ने आतंक मचाया हुआ है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के अंदर इतना अच्छा नहीं है जितना हाईवेज़ में और जितना एक्सप्रेसवेज़ पे बन गया है। बैटरी वाले रिक्शों ने भाई सच में मतलब जीना दूभर किया हुआ है, आप बढ़ नहीं सकते हो। और बिल्कुल हैंडलिंग, पता नहीं पुलिस इनके लाइसेंस चेक करती है कि नहीं करती है। चलो बाकी छोड़ते हैं भाई, फाइनली हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और मिलता हूँ दोस्तों आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने दोस्त के घर पे। जैसा कि मैंने चलने से पहले आपको बताया था, फाइनली अंदर की तरफ चलते हैं और भाई अब नए घर को रिवील करते हैं। सो दोस्तों, ऑलरेडी घर में गृह प्रवेश हो चुका है। घुसते ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर भाई व्हील्स ऑन द वाटर का एक बहुत ही प्यारा सा स्टैचू रखा हुआ है। और देखिए, वुडन वर्क और लाइटिंग का काम भी सच में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ करवाया हुआ है। फाइनली थोड़ा सा आगे चलते हैं और ऊपर देखते हैं, तो भाई ऊपर बहुत ही प्यारी सी एक लाइटिंग भी लगी हुई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हम पूरे घर को रिवील करने वाले हैं, तो क्योंकि घर में बहुत ही प्यारा सा टेरेस भी है। तो भाई ये देखिए, यहाँ पर है हमारा टीवी पैनल। और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा घर के लिए, गेस्ट के लिए जो है ड्राइंग रूम है, जहाँ पर सोफे वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर डले हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से वुडन वर्क के साथ में आपके लिए डाइनिंग टेबल, और ये एक बच्चे के लिए स्टडी रूम जिसमें ऑलरेडी डबल बेड डाला हुआ है। और सारे के सारे रूम्स के साथ दोस्तों अटैच है अटैच टॉयलेट, साथ में अटैच बालकनी। तो ये देखिए, बच्चे के रूम के अंदर जो बालकनी लगी हुई है, ये उसका फील है। अभी फाइनली बाहर की तरफ चलते हैं, दूसरे रूम की तरफ। फाइनली ओपन करते हैं और देखिए, ये है सबसे पहले गेस्ट रूम में खुलने वाला टॉयलेट। और बाहर निकल के राइट हैंड साइड में भाई आप छोटा सा मंदिर देख सकते हो। और ये है दोस्तों ओपन किचन एरिया। और सबसे बड़ी बात है किचन के साथ में भी अटैच जो है बालकनी यहाँ पे दी हुई है, सो दैट भाई किचन में खाना बनाने वाला भी बोर ना हो सके और अपने यूटिलाइजेशन की चीज़ों को सही जगह पर रख सके। बालकनी सच में बहुत ज़्यादा लंबी है क्योंकि ये बालकनी दूसरे रूम के साथ में अटैच भी है। अभी लेके चलता हूँ बाहर की तरफ और दिखाता हूँ दोस्तों किचन के जस्ट बराबर वाला दूसरा रूम। और फाइनली दोस्तों, ये है मेरा मास्टर बेडरूम। और सच बताऊं तो मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है दोस्तों, वो अपने में ही सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये इसके साथ अटैच टॉयलेट। चलते हैं दोस्तों दूसरे रूम की तरफ। और रूम के जस्ट बाहर निकलते ही आपको मिलेगा दोस्तों कॉमन वॉश बेसिन, जो सभी के लिए कॉमन। और कॉमन वॉश बेसिन के साइड में आपको मिलेगा कॉमन एक बड़ा सा टॉयलेट। बाहर की तरफ आते हैं और दोस्तों ये एक और रूम है, स्टडी रूम बच्चों का, जिसके अंदर भी ऑलरेडी भाई एक डबल बेड डाला हुआ है। फाइनली सारे के सारे रूम जो है वो ऑलरेडी हमने रिवील कर लिए हैं। भाई थ्री बेडरूम है, कॉमन एरिया काफ़ी बड़ा है, किचन साइज़ बहुत बड़ा है, तीन भाई टेरेस, तीन बालकनी। और इस पूरे फ्लैट की सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ आपको, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा एक गार्डन है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है दोस्तों। ये बहुत बड़ा मैटर है, फर्स्ट फ्लोर पे आपके लिए सेपरेट गार्डन है। तो भाई भाई ने भी यहाँ पे कमाल किया हुआ है, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें भाई गार्डन में लगाई हुई हैं, चाहे वो फिर टमाटर हो, हरी मिर्च हो, या डेली बेसिस की यूज़ होने वाली कोई कोई वेजिटेबल। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत हमारे भाई ने यहाँ पर फ्लैट लिया। सच बताऊँ तो देख के भाई
नजर ना लगे बट मन करता है कि भाई अपने पास भी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अभी दिन का टाइम है, शाम होने पे दोस्तों इसी गार्डन में करेंगे पार्टी। इस तरीके का टेरेस होना या इस तरीके का गार्डन होना अपने आप में एक बड़ी बात है भाई। देखिए ऊपर, बट फाइनली बिल्डर्स ये वाले पेड़ जो है अपने घरों के बाहर लगाते हैं, अपनी सोसाइटी के बाहर लगाते हैं, जिससे कि उनकी सेल आउट अच्छी हो सके। बट फाइनली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत ही प्यारा, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाई राइज नहीं है, 8 टावर्स या 8 मंजिल का घर आप बोल सकते हो वो यहाँ पर है। और देखिए मेरे फ्रेंड ने कितने प्यारे तरीके से ये रूम या टेरेस या गार्डन आप बोल सकते हो मेंटेन किया हुआ है भाई, सच में ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई बहुत सारे पेड़, मतलब इलायची का पेड़, पपीते का पेड़, और उसके बाद भाई पता नहीं कौन सी एक बहुत ही महंगी जो पता नहीं यार मेरे को इतना डिटेल तो नहीं है, वाइडी भाई कौन सा था वो शुगर वाला पेड़, स्टीविया जो है भाई वो पेड़ भी लगाया हुआ है, बहुत ही महंगा एक पेड़ था। सच में बताऊँ मुझे देख के बहुत ही प्यारी फीलिंग आई। और देखिए अगर कभी हैवी रेन हो जाए तो इस तरीके का यहाँ पे ड्रेन सिस्टम भी दिया हुआ है। तो भाई ये यहाँ से अभी, हालांकि मैंने शूज़ उतारे हुए हैं, नंगे पैरों मैंने शूज़ अपने यहाँ पे रख दिए हैं। लाइटिंग थोड़ी कम है भाई लाइट जलाएंगे हम। तो भाई ये देखिए, ये इनको देख लीजिए, ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और सच बताऊं तो मेरे गुरु हैं भाई ये और भाई यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो तो हनुमान जी भी है नीचे, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे बच्चों के झूले लगे हुए हैं। और भाई यहाँ पे चल चुका है भाई जबरदस्त डीजे सॉन्ग, किस तरीके से मैं चलता हूँ, हर चीज फॉलो करता हूँ। और डेफिनेटली जो कुछ इन्होंने अचीव किया है मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं यही सारी चीजें अचीव भी करूंगा।